हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम देखेंगे एक्सडी के कुछ नए अपडेट्स जो मार्च 20 में अडोबी की तरफ से आए हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें और सारे ही जो इसके फीचर्स हैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हैं ये फ़ीचर्स। तो इसके लिए मैं जाता हूँ पहले अभी क्रोम में। तो यहाँ पर मैंने अडोबी की वेबसाइट खोली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च के अपडेट्स, मार्च 20 के सारे अपडेट्स। ऑटो प्लेबैक, इसका मतलब यही है कि पहले अगर आपने कुछ मोबाइल एप्लीकेशन देखी हो तो उसमें जितने ही बटन्स होते हैं, अगर आप बटन पे क्लिक करते हैं या कुछ भी ट्रिगर करते हैं तो उसमें आपको एक साउंड सुनाई देता है। तो यहाँ पर आप अपने प्रोटोटाइप में साउंड भी ऐड कर सकते हो, विच इज़ वेरी गुड फीचर। तो अभी हम ये एग्जांपल देखेंगे कि किस तरीके से हम ऑडियो ऐड कर सकते हैं। दूसरा है एंकर लिंक। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग फीचर है और आई थिंक इन सब में सबसे बड़ा फीचर यही है। तो इसको भी एक्सप्लोर करके अभी मैं आपको दिखाऊंगा और रेफरेंस के साथ मैं आपको इसको बताऊंगा। नेक्स्ट है हमारा शॉर्टकट फॉर रीसाइजिंग एरिया टेक्स्ट टू फिट कंटेंट। तो ये भी एक बहुत अच्छा है बट छोटा सा फीचर है, डेफिनेटली इसको भी हम अभी गो थ्रू करेंगे। तो ये तीनों फीचर अभी हम गो थ्रू करते हैं। और मल्टीपल एक्शन ऑन ए टैप ट्रिगर, इसका मतलब है कि एक ही ट्रिगर पर आप मल्टीपल एक्शंस कर सकते हैं। तो ये हम ऑडियो प्लेबैक में कवर कर लेंगे। शेयरिंग इम्प्रूवमेंट, तो शेयरिंग में भी इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है। पहले आप एक लिंक शेयर कर सकते थे और अब इसमें रीशेयर का भी ऑप्शन है। उसमें आपको परमिशन होती है कि आपको रीड ओनली देना है या फिर आपको एडिटेबल राइट्स भी किसी को देने हैं। तो ये सारे फीचर्स मार्च में इन्होंने दिए हैं। तो चलिए अब इनके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं किस तरीके से ये काम करते हैं। तो इसके लिए चलते हैं एक्सडी में। तो यहाँ पर मैंने अपनी एक एक्सडी फाइल खोल ली है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑडियो प्लेबैक। तो ऑडियो प्लेबैक के लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर बना रखा है। तो इसके लिए मैं आपको पहले इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि किस तरीके से क्या इंटेंट है इसको बनाने का। तो यहाँ पे मैंने एक दिया है विच वर्ड इज़ रिलेटेड टू कोविड-19। तो यहाँ पर मैंने एक ये पोल डिज़ाइन किया है और उसको प्रोटोटाइप किया है। तो इसका जो सही आंसर है उस पर राइट आएगा, अदरवाइज ये रेड होगा। सपोज़ मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो दिस इज़ रॉन्ग आंसर। और इसमें आपने सुना होगा एक साउंड भी अभी आया था। तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैंने इसमें साउंड भी दिया है। अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी साउंड इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ कोरोना, विच इज़ राइट, और आपने सुना होगा इसके पीछे भी एक साउंड आया था। और थर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये दोनों गलत हैं और कोरोना सही है। तो ये मैंने एक पोल यहाँ पर डिज़ाइन किया है ऑडियो प्लेबैक रेफरेंस दिखाने के लिए। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से मैंने ये बनाया है। तो यहाँ तो मैंने सिंपल एक टेक्स्ट लिख दिया है और मेन हमारा जो काम है वो इस बटन पर है। तो मैंने इस पे काम कैसे किया है चलिए देखते हैं। एक और आर्ट बोर्ड मैं डमी यहाँ पर ले लेता हूँ। इसके बाद मैंने इसको ही यहाँ पर कॉपी कर लिया है और इसके बाद मैंने इसको अनग्रुप कर दिया है, यानी कि एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट यहाँ पे बटन मैंने बना दिया है। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको कमांड के प्रेस करना है, यानी कि कॉम्पोनेंट बना देना है इसको। और यहाँ पर आप देख सकते हो डिफ़ॉल्ट स्टेट इसकी ये है और आप इसमें दो स्टेट और डिफाइन कर दें, एक इनकरेक्ट और दूसरी करेक्ट। डिफ़ॉल्ट स्टेट हमारी यही रहेगी। इनकरेक्ट स्टेट पे जाके आप अंदर जाके इसको रेड कलर कर दें और इसको वाइट कलर कर दें, उसकी आउटलाइन कर दें नन। ये हमारी इनकरेक्ट स्टेट है। फिर जाते हैं हम करेक्ट स्टेट पे। तो करेक्ट स्टेट हमारी होती है ग्रीन, यहाँ से मैंने ग्रीन कलर फिल कर दिया और इसके बाद मैंने इसका बॉर्डर कर दिया नन और इसको कर दिया वाइट। तो यहाँ पर हमने तीनों स्टेट यहाँ पर डिफाइन कर दी हैं। इसके बाद हमें इसको एनिमेट करना है। तो एनिमेट करने के लिए आप यहाँ पे जाएं प्रोटोटाइप पे और सिंपल इस एरो पर क्लिक कर दें। और क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है आंसर कि ये सही है या गलत। दोनों स्टेट हमने ऊपर डिफाइन कर रखी हैं तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ ये इनकरेक्ट है तो मैंने इनकरेक्ट पे क्लिक कर दिया है। और अगर आप इसमें कोई साउंड देना चाहते हैं इनकरेक्ट का तो यहाँ से आप एक्शन के प्लस पे क्लिक करेंगे और ऑडियो प्लेबैक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप कोई भी साउंड
अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से ऐड न्यू फाइल की है और मैं अपने ब्राउज़र पे जाके, ये दो साउंड मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं तो मैंने इनकरेक्ट पे ये साउंड डाल दिया, ये मेरा यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेट बन चुकी है। और अगर मुझे यही करेक्ट स्टेट करनी है तो इसको मैं करेक्ट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप इसको शफलिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसका प्रीव्यू। तो होवर मेरा इस पर आ रहा है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा देखते हैं होता क्या है। आप सुन सकते हैं इसमें साउंड आया है और कलर स्टेट भी सेलेक्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से मैंने ये तीनों ऑप्शन बनाए हैं। तो मैंने यहाँ पे कोरोना को राइट ऑप्शन दिया है, यानी कि यहाँ से मैंने करेक्ट स्टेट इसकी डिफाइन कर दी थी। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर ये पोल बना सकते हो। और हाँ, अगर आपको अपना भी कोई साउंड डालना है रिकॉर्डिंग करके, आप वो भी बटन्स में डाल सकते हैं। इसका एक छोटा सा और यूज़ मैं बताऊँगा आपको, इसका सिंपल बटन में भी आपको मालूम ही है, किसी भी बटन पर क्लिक करके अगर आपको साउंड चाहिए तो वो भी आप नॉर्मली डाल सकते हो। अभी के लिए ये सिंपल एक बटन है, कोई एक्शन इस पे नहीं लगा है। तो यहाँ पर आपको कमांड के वही करना है, कमांड के, और यहाँ पे जाने के बाद आप इसमें न्यू स्टेट डिफाइन कर दें और फिर दोबारा डिफ़ॉल्ट स्टेट पे जाके इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लें। इसके बाद आप जाएं प्रोटोटाइप पर। प्रोटोटाइप पे जाने के बाद आप सिंपल इस पर क्लिक कर दें, आपकी डिफ़ॉल्ट स्टेट सेलेक्टेड है। इसके बाद आपको डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी है, स्टेट टू जो आपने यहाँ पे डिफाइन कर रखी है, स्टेट टू मैंने डिफाइन कर दी है। इसके बाद एक्शन में क्या देना चाहता हूँ, एक्शन में मैं ऑडियो प्लेबैक देना चाहता हूँ और ऑडियो मैं देना चाहता हूँ ये वाली जो मेरी ऑलरेडी सेलेक्टेड थी। तो चलिए जल्दी से इसका एक प्रीव्यू देख लेते हैं। परफेक्टली ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इसके बाद हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है, विच इज़ एंकर लिंक। आपने कई बार पैरालेक्स वाली और लॉन्ग पेज फॉर्मेट वाली वेबसाइट्स बनाई होंगी जो सिंगल पेज में ही होती हैं, सिर्फ स्क्रॉलिंग के बेस पर चलती हैं, नया पेज उसमें नहीं होता है। तो वही वेबसाइट मैंने एक यहाँ पर बना के रखी हुई है आपको एग्जांपल दिखाने के लिए। तो एंकर लिंक यहाँ पे काम कैसे करेगा, अभी तक आपने XD पे काम किया होगा तो आपको मल्टीपल आर्टबोर्ड बनाने होते थे किसी भी एनिमेशन को करने के लिए। अभी सिंपल आपको करना क्या है, सिंपल आपको कोई भी, जैसे सपोज़ ये 5 लिंक हैं और होम पे मुझे यहीं पे रहना है, अबाउट अस पे नीचे वाले सेक्शन पे स्लाइड कराना है। तो इसके लिए चलिए एनिमेशन बना के देखते हैं। तो इसमें मुझे एक चीज़ फील जो हो रही है वो ये कि मुझे ये वाला पार्ट हमेशा स्टिकी रखना है, यानी कि ये मूव ना हो और सब चीज़ें मूव हों। तो यहाँ से मैं, ये रिपीटेशन है, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये सारे मैंने यहाँ से डिलीट कर दिए हैं। अब मुझे सिंपल एंकर जो लिंक इन्होंने दिया है वो सिर्फ मुझे मैपिंग करनी है। मैं यहाँ पे सिंपल अबाउट अस को सेलेक्ट कर लेता हूँ और अबाउट अस जो मेरा यहाँ पर है, यहाँ पे प्रोटोटाइप पे जाके मैंने इसको इस वाले बॉक्स पे ड्रैग कर दिया जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बॉक्स बना रखा है। और सेम चीज़ हमें सबके साथ रिपीट करानी है। तो शोकेस से मैंने इसको लिंक कर दिया इस वाले बॉक्स पर और क्लाइंट एंड सर्विसेज के लिए मैंने 4th बॉक्स कनेक्ट कर दिया और कॉन्टैक्ट वाले के लिए कॉन्टैक्ट हमारे पास ऑलरेडी है तो मैंने इसको भी कॉन्टैक्ट से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैंने ये सारे कनेक्शंस कर दिए हैं क्विकली। तो एक बार इसका क्विक प्रीव्यू देख लेते हैं। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये मुझे स्टिकी चाहिए, यानी कि फिक्स चाहिए। तो फिक्स करने के लिए मुझे इसमें करना क्या है, मुझे इन सब को डिज़ाइन में जाना है और इन सब को एक बार मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरे सारे सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद मैं इनको कर देता हूँ फिक्स पोजीशन व्हेन स्क्रॉलिंग। तो ये सब मेरे फिक्स हो चुके हैं। इसके बाद मैं क्लिक करके देखता हूँ मेरा प्रीव्यू। तो परफेक्टली ये मेरा प्रीव्यू यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल पेज स्क्रॉलिंग, अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है, क्रिएटिव वेबसाइट बनानी है, तो आप इजीली यहाँ पे प्रोटोटाइप अपना बना सकते हो, विच इज़ वेरी गुड फीचर जो अब तक XD में नहीं था। और अभी मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी हो गया। तो अब एक चीज़ और मैंने यहाँ पे दिया है एरो। एरो का मतलब ये है कि किसी भी सेक्शन पे मैं जाऊँ तो वो मुझे सबसे टॉप पे, यानी कि होम पर पहुँचा दे। तो उसके लिए भी एक इसका फटाफट से एक एनिमेशन बना देते हैं। सपोज़ ये है मेरा, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया और इसको पहुंचा दिया इस लेयर पर। तो एक बार इसका क्विक प्रीव्यू देख लेते हैं अबाउट अस पे। तो ये ऊपर बिल्कुल परफेक्टली ये काम कर रहा है। तो अगर आपको इसकी स्पीड वगैरह कम करनी है, अगर आपको लगती है कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए हम अभी इसको करके देख लेते हैं।
0.3 है, इसको मैं कर देता हूँ 0.8। 0.8 करने के बाद मैंने इस पर क्लिक कर दिया और कुछ इस तरीके से स्मूथनेस इसमें आ चुकी है। तो बहुत ही अमेजिंग फीचर है, आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो पैरालेक्स के लिए या फिर एक सिंगल पेज स्क्रॉलिंग के लिए। तो आज मैंने ये फीचर आपको दिखाने के लिए बहुत ही सिंपल वे में आपको पैरालेक्स और स्क्रॉलिंग दिखाई है, बट इसके काफ़ी अच्छे अच्छे यूजेस हैं। मल्टीपल लेयर को आप पैरालेक्स में कर सकते हैं, तो वो भी हम आने वाली क्लासेस में ज़रूर करके देखेंगे। इसका जो थर्ड फीचर है, चलिए देखते हैं क्या है वो थर्ड फीचर, शॉर्टकट फॉर रिसाइजिंग एरिया टेक्स्ट टू फिट कॉन्टेंट। तो बहुत ही बढ़िया फीचर है, इसके लिए मैं एक आर्ट बोर्ड यहाँ पर बना लेता हूँ। डिज़ाइन में जाके मैंने यहाँ पे एक आर्ट बोर्ड बना लिया है। तो इसका यूज़ सिर्फ इतना है, अगर आप कोई टेक्स्ट लेते हो और यहाँ पे अपनी टाइपिंग शुरू कर देते हो या कोई पैराग्राफ आप लेते हो, ये सॉरी वाइट में है, मैं इसको थोड़ा कलर इसका चेंज कर देता हूँ। ये मैंने इसका कलर यहाँ पर चेंज कर दिया। तो सपोज़ ये मेरा पैराग्राफ है और टेक्स्ट बॉक्स मेरा इतना बड़ा है, तो सिंपल मुझे इस पर डबल क्लिक करना है तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। तो यही काम है इस थर्ड फीचर का, और इसके अलावा हमने सारे फीचर्स इसके एक्सप्लोर कर लिए हैं। तो आई होप ये जो फीचर्स हैं आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं और प्रैक्टिस भी आप इसकी करोगे। तो आज की क्लास में इतना ही, जल्द मिलूंगा अपनी आने वाली क्लासेस में। तो अगर आपको ये सारे फीचर्स अच्छे लगे हों और ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, कमेंट्स मुझे आपके मिल रहे हैं और मैं उन कमेंट्स पर काम भी कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।